हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं इस महामंत्र के बारे में आपको कुछ बताने आई हूँ। ये महामंत्र बहुत ही पावरफुल मंत्र है, बहुत ही इफ़ेक्टिव मंत्र है। आप इस मंत्र को यूं ही मंत्र ना माने, ये एक मंत्र नहीं, एक महामंत्र है। ये मंत्र एक मंत्र नहीं है, ना ही इस मंत्र को हम एक मंत्र के नाम से जानते हैं। ये मंत्र एक महामंत्र है। हम हमेशा इस मंत्र के आगे एक महामंत्र लगाते हैं, क्योंकि ये बहुत ही पावरफुल मंत्र है। ये मंत्र अपने आप में एक पूरक है, पूरा माना जाता है ये मंत्र अपने आप में। वैसे हर मंत्र के आगे ओम लगा होता है, तो हम सब यही मानते हैं कि ये मंत्र ओम से शुरू नहीं है तो ये पूरा नहीं है। बट ऐसा नहीं है, ये मंत्र ओम के बिना भी पूरा माना जाता है, और ये मंत्र पूरा ही है। कुछ मंत्रों के नियम होते हैं। ये मंत्र पूरा है ओम के बिना भी। ये मंत्र सब मंत्रों का राजा है। हरे कृष्णा मंत्र नहीं, एक महामंत्र है। सभी भगवान देवी देवताओं ने माना है। हरे कृष्णा मंत्र सभी मंत्रों का राजा है। इसको हरे कृष्ण मंत्र नहीं बोलते हैं, इसको महामंत्र बोलते हैं। महामंत्र में इतनी शक्ति है जितनी भगवान में है, उतनी शक्ति इस नाम भर में ही है। हरे कृष्णा मंत्र जब हम जपते हैं तो हमें वही शक्ति प्राप्त होती है जो हम हरि नाम जपते हैं, तब हमारा हृदय शुद्ध हो जाता है। इस मंत्र को जपते ही हमारा मन और हमारा हृदय एकदम पवित्र हो जाता है। हरे कृष्णा मंत्र का अर्थ, हरे कृष्णा, हरे मतलब राधा रानी और कृष्णा मतलब कृष्ण जी, हमारे प्यारे कृष्ण जी, ये मंत्रों का राजा है। इसे जपते हैं जब हमारे जीवन में सुख शक्ति समृद्धि प्राप्त होती है और सभी चीज़ें हमारे जीवन में आना शुरू हो जाती हैं। इस मंत्र को जपने से ही, जब हम ये मंत्र कुछ सालों के बाद जपते हैं तो ये हमें वो शक्ति देता है। जब हम जपना शुरू करते हैं, वही शक्ति जो भगवान के पास होती है। इस मंत्र से हमारी शक्ति बढ़ने लगती है और हम हर चीज़ को प्राप्त करने लगते हैं। इस मंत्र से इसका एक लक्ष्य है, भगवान को प्राप्त करना। इस मंत्र को आप जितना जपेंगे उतना आप भगवान के करीब होंगे और आप भगवान को प्राप्त करेंगे। ये मंत्र में इतनी शक्ति है, भगवान की भक्ति को प्राप्त करेंगे आप। इतनी शक्ति है इस मंत्र में, इस महामंत्र में। इस महामंत्र का एक ही लक्ष्य है, भगवान को प्राप्त करना, भगवान की भक्ति को प्राप्त करना। तो आप इस महामंत्र को जपते रहें और भगवान को प्राप्त करते रहें और भगवान के करीब रहें। हर क्षण हर पल भगवान के आप करीब रहें। थैंक यू।